तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मिसिंग इशू क्या होता है, ठीक है। बाइक में अभी मैं सुबह सुबह मेरे बाइक को ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, अभी बाइक ऑन है, अभी मैं जैसे इसका क्लच या कुछ इसे आगे पीछे करने का ट्राई करूंगा ना, बाइक बंद पड़ जाएगी। धीरे धीरे देखो आवाज दिख रहा है, बंद पड़ गई ना, ये है मिसिंग इशू। हेलो, हाय, दुआ, सलाम, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैडस मोटर्स। सो आप लोग ने देख लिया होगा मिसिंग इशू क्या होता है पहले वीडियो में, और भी कुछ छोटे मोटे दिक्कत आ रही है मेरे बाइक में, आपको बता दूं। जैसे कि अभी सपोज मेरे बाइक फर्स्ट गियर पे होते तो जल्दी ऑन नहीं होती, कभी कभी ऑन हो जाती है, कभी कभी नहीं, कभी कभार ऑन हो जाता है, वो भी ऐसा दबाएंगे ना यहाँ से कभी, तब ऑन हो जाता है। और थोड़ा चैन का खर खर आवाज मार रहा है। ये स्विच है ना जो क्लच के नीचे होता है, ये वाला स्विच, इसके बारे में एक बात बताता हूँ आपको। तो दोस्तों, जो मैं आपको क्लच स्विच बता रहा था, उस वो स्विच खराब होने के पीछे मेरी ही गलती है, एक्सेप्ट मेरी गलती है, क्योंकि मैंने फोर्थ सर्विस में वो नया स्विच डाला था मैंने, और वो खराब हो सकता है। कैसे हो सकता है? वो हमारी गलती की वजह से हो सकता है, मुझसे हुआ, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों से भी वो गलती हो। इसमें क्या होगा होता है, जो नीचे स्विच के नीचे जो ये हमारा जो स्विच क्लच है, जो क्लच स्विच है सॉरी, जो मैंने आपको दिखाया, मेरी गंदी आदत है कि मैं हर हफ्ते इसे प्रेशर वॉश करता हूँ मेरे ऑफिस में, जबकि जो नहीं करना चाहिए, रिकमेंडेड है, बट मुझे क्या लगा कि फर्स्ट टाइम खराब हुआ था, कुछ डिफेक्ट होगा, इसे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और इस बार मैं ना हर जगह पर प्रेशर वॉश करता हूँ, उसके वजह से वो इश्यू आया है जो फर्स्ट गियर पे ऑन नहीं हो रहा है। और रही बात फ्यूल इंजेक्टर क्लीनिंग की, जैसे थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग भी बोलते हैं, ये लोग हमें करके देंगे, ये लोग हमें वो थ्रॉटल बॉडी क्लीन करके देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, इन्होंने ये कोई चार्जेस नहीं लेने वाले, इन्होंने कहा कोई चार्जेस नहीं लेंगे, और सपोज अगर और कोई एडिशनल आते तो उसका चार्जेस लेंगे। सो थम्स अप हो मीनाक्षी, देखते हैं। और दूसरी बात, आज इस बार वीडियो नहीं बन पाएगा अंदर, क्योंकि कोविड का टाइम है और स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नॉर्म्स है, ये लोग सुबह 7 बजे खोलते हैं और दोपहर के 1:30 या 2 बजे तक ऑन रखते हैं, और इनके पास ऑलरेडी 3-4 गाड़ियां हैं, कम स्टाफ और अलाउड भी नहीं आता कोविड की वजह से। सो आई अप्रिशिएट देयर सेफ्टी नॉर्म्स, जो कुछ भी वो लोग कर रहे हैं कोविड के लिए। सो देखता हूँ अभी मैं आके क्या होता है, कैसा है, आज के 1-2 बजे तक आज आके देखता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज है सेकेंड डे, मैंने एक्चुअली कल ही बाइक ले आया था सर्विस सेंटर से। सो यहाँ का जो क्लच स्विच है यहाँ नीचे का, जो मैंने आपको बताया था, वो हमने चेंज कर दिया, 350 रुपीज का आया, लेकिन बैड न्यूज ये है कि इसका जो फ्यूल इंजेक्टर है उसमें एलियन के टाइप के नट्स लगते हैं, तो सर्विस सेंटर वालों के पास वो टूल्स थे नहीं ओपन करने के लिए, तो उन्होंने कहा उनसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें प्रियंका टीवीएस जो पनवेल में वहां पर जाना पड़ेगा और मंडे को, लेकिन वाला मंडे को ऑफिस है, तो मैंने एक जगह ढूंढा वहां तुरबे में, वहां पर एक शॉप है बहुत मस्त है, हर एक सुपर बाइक्स का सर्विस करता है, सुपर बाइक्स मीन्स हायाबुसा, ट्रैम्प, 1000 सीसी के बाइक्स, कावासाकी, सब जितने भी स्पोर्ट्स बाइक है उन सबका वो सर्विस करता है, वहां पर बाइक्स है भी उनके पास, मैं वहां पर जाके इसका फ्यूल इंजेक्टर क्लीन करने वाला हूँ, चले मिलते डायरेक्टली वहां पर ही। तो अभी हमारी बाइक का कुछ ये खुल चुका है, ये है क्या इसका फ्यूल इंजेक्टर? हाँ, अच्छा ये वाला, पीछे वाला, ओके। फर्स्ट स्टेप दोनों साइड के पैनल्स खोलने हैं, सेकंड स्टेप ये ऊपर का टैंक खोलना है, सही है। फाइनली हमारा टैंक निकल चुका है, ये है ना इसका फ्यूल इंजेक्टर, ये वाला। चलो देखते हैं क्या है इशू इसमें। तो ये है हमारा फ्यूल इंजेक्टर जो पूरा निकल चुका है, तो पेट्रोल गिर रहा है इसमें से, ये अपना फ्यूल इंजेक्टर, भाई बहुत मेहनत लगी है इसको निकालने में, ये पूरा इतना सारे स्विचेस है ना इसमें, कौन एक्सपीरियंस, अगर कोई अनएक्सपीरियंस मैकेनिक है उसके पास लेके मत जाना, वो कोई प्रॉपर रिपेयर नहीं कर पाएगा, बहुत ही मेहनत है भाई इसमें, दिख रहा है आपको ये
स्टेप नंबर थ्री, अभी ये एयर फिल्टर को भी एक बार जरा हवा मार के साफ कर देंगे, ऐसा अलग करेंगे ना, इसको अलग करके क्लीन करेंगे। तो यहाँ से यही टैंक में से पानी फेंकता है, ये पेट्रोल फेंकता है ना, बारीक बारीक होल। हाँ एकदम बारीक होल है इसमें, बराबर। हाँ बराबर, ये टैंक में कनेक्टेड है ना, ये टैंक से कनेक्टेड रहता है। ओके, तो अभी किसको क्लीन करेंगे, इसको क्लीन करेंगे कि इसको, ये बॉडी को क्लीन करेंगे। ये इधर अंदर आने, अच्छा यहाँ पूरा अंदर, ठीक है। साफ ही है ना, थोड़ा सा फूक मार के साफ कर देते हैं। और यहाँ पर ये देखो बाजू में हायाबुसा सर्विस होके खड़ी है, और किसी को भी अगर सुपर बाइक लेनी है ना, तो यहाँ पर ये CBR 1000R सेल के लिए है, 6.5 लाख कितने का तो है, 2014 की मॉडल है, और ये सर्विसिंग के लिए आया हुआ कावासाकी 800R। और अंदर और भी है, और भी दिखाता हूँ मैं अंदर। ये है हायाबुसा 2008 या 9 के मॉडल है, इसे सेल करना है, ये 6 या 7 लाख में जाएगी। और वो है सुजुकी GSXR 1000cc, और ये है होंडा 1000RR, ये भी सेल के लिए। और अंदर ये है एप्रिलिया SR V4, ये भी सेल के लिए है। तो बेसिकली ये लोग यहाँ पर सर्विस भी करते हैं, सेल भी करते हैं इसके। और दिख, आप सबको दिखता होगा, बहुत ही छोटा सा गैरेज है, बीच में हार्ली डेविडसन है, ये छोटा सा गैरेज है, लेकिन स्टिल यू कैन सी यहाँ पर कितना भीड़ होता है। और ये अभी अभी रिपेयर होके ये सेल हो चुकी है, सोल्ड आउट है ये। और ये दुकान का नाम है, मैं चाहे तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में यहाँ का लोकेशन ये सब डाल देता हूँ, और कुछ बाइक्स के लुक्स डाल देता हूँ, ये जैसे कि 1000 CBR का भी यहाँ का डाल देता हूँ। ओके, ये यहाँ पर जुड़ता है, ठीक है, सही है। अब मैं इसको पूरा असेंबल करके फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मेरी बाइक की सर्विस हो चुकी है, फ्यूल इंजेक्टर मेरा टोटली क्लीन हो चुका है, टोटली क्लीन। मैं उसे वीडियो भी नहीं डाल पाया, क्योंकि अगर मैं उसे डालता तो वीडियो काफी ज्यादा लेंदी हो जाता। हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ इस काम से, अगर 10 में से मुझे रेटिंग दोगे तो मैं 8 का रेटिंग दूँ, 8 या 9 का फिलहाल, तो फिलहाल के लिए। और मेरा फ्यूल इंजेक्टर पूरा क्लीन हो चुका है, टोटल कॉस्ट जो मुझे लगा फ्यूल इंजेक्टर क्लीन करने के लिए वो काफ़ी टेक्निकल काम था, मीन्स बहुत सारे स्विचेस है उसे निकालने पड़ते हैं। सो किसी अनएक्सपीरियंस मैकेनिक के पास में जाके इसे खोलने का ट्राई मत करना, मैंने उस बंदे को देखा है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे स्पोर्ट्स बाइक सर्विस होती हैं, इसलिए मैं उसके पास गया एंड आई गॉट माय रिजल्ट्स। 600 रुपीज़ हुआ फ्यूल इंजेक्टर क्लीनिंग का। सो आई होप अभी आपको समझ गया होगा कि क्या करना है अगर आपके बाइक में मिसिंग इशू आ रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। कॉन्टेंट अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगे तो कमेंट करना। इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप हर एक चीज में होता है।